नमस्ते, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। भारत ने इंदौर में श्रीलंका के साथ दूसरे T20 को 7 विकेट से जीत लिया है। इस मैच के बाद नवदीप सैनी से लेकर शार्दुल ठाकुर और KL राहुल सबकी तारीफ हो रही है, लेकिन टीम इंडिया के लिए लंबे वक्त बाद वापसी कर रहे शिखर धवन ने रन बनाए, फिर भी उन्हें फैंस ने ट्रोल कर दिया। श्रीलंका ने मैच में पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 142 रन बनाए। जवाब में रोहित नहीं थे तो राहुल के साथ धवन पारी शुरू करने आए। टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत तो मिली, 142 के जवाब में राहुल और धवन ने पहले विकेट के लिए 9 ओवरों में 71 रन जोड़ दिए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों को धवन की पारी कुछ खास नहीं लगी? दरअसल 9वें ओवर तक मैच में भारतीय टीम को मजबूत करने वाली इस पारी में ज़्यादा योगदान KL राहुल का रहा। 9वें ओवर तक राहुल ने 31 गेंदों में 45 रन बनाए, जबकि धवन ने 23 गेंदों पर 24 रनों का योगदान दिया। शिखर धवन ने वापसी तो की, लेकिन उस तरह के फॉर्म में नहीं दिखे जैसा उन्हें देखा जाता है। धवन बेहद धीमी रफ्तार में खेलते दिख रहे थे, जबकि वो पूरी तरह से मैच में जमे हुए भी नजर नहीं आए। धवन ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 में अपनी पारी में 29 गेंदों का सामना किया और महज 32 रन बनाए। वो डिसिल्वा की गेंद पर LBW आउट होकर वापस चले गए। इंदौर के छोटे मैदान पर भी उनकी पारी में महज 2 ही चौके आए। उनकी इस धीमी पारी को देखकर सोशल मीडिया पर फैंस को गुस्सा आ गया और फिर धवन ट्रेंड कर गए। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत के लिए रोहित शर्मा के साथ KL राहुल ने पारी की शुरुआत की थी, जिसमें राहुल ने शानदार पारी खेली और क्रिकेट के जानकारों ने कहा था कि राहुल के इस प्रदर्शन से अब धवन के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। कई जानकारों का यह भी मानना है कि श्रीलंका के खिलाफ यह सीरीज़ धवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो इस सीरीज़ में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते तो फिर उनके लिए T20 विश्व कप की राह भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि KL राहुल इस समय कमाल के फॉर्म में है और रोहित शर्मा विराट कोहली के भरोसेमंद और टीम इंडिया के उपकप्तान भी हैं। रोहित शर्मा किसी भी मैच में मैच का रुख पलट सकते हैं। ऐसे में KL राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी इस समय भारतीय टीम के लिए अच्छा कर रही है। लेकिन रोहित को रेस्ट मिलने के बाद धवन की टीम में वापसी हुई है और धवन को इस मौके को भुनाना चाहिए। इस सीरीज़ के बाद अब भारतीय टीम T20 सीरीज़ खेलने के लिए न्यूजीलैंड रवाना होगी, जहां पर टीम इंडिया को 5 मैचों की T20 सीरीज़ खेलनी है। अब उस टीम में चयन के लिए धवन के पास श्रीलंका के खिलाफ आखिरी T20 में ही एकमात्र मौका बचा है। अगर आपने इस वीडियो को YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इसे Facebook पर देखा है तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारा Android ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो Google Play Store में जाकर द लल्लनटॉप का Android ऐप डाउनलोड कीजिए। कैमरे के पीछे है राशिद, शुक्रिया।